अरे सुजाता, ये क्या आधा कप चाय का लेकर आई हो? क्यों बाबा, सुबह भी जब मैंने देखा तो नाश्ते में तुमने मुझे दो बिस्किट दिए थे। ये क्या तरीका हुआ, मैं ऑफिस से आता हूँ यार। अरे मुझे पता है आप ऑफिस जाते हैं जनाब, लेकिन बचत भी जरूरी है। आधा कप चाय पीने से कुछ नहीं होगा, वैसे भी गर्मी बहुत पड़ी हुई है। और हाँ, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। डाइट कीजिए थोड़ी बहुत और थोड़ी बचत भी हो जाएगी। अरे ससुर जी, आपको पता है आजकल कितने डायबिटीज के मरीज आ रहे हैं, और वो भी चाय पीने की वजह से। तो हमारा तो यही ख्याल है कि आप चाय पीना कम कर दीजिए, बचत की बचत हो जाएगी और आपकी सेहत भी कायम रहेगी। क्या ख्याल है? ख्याल तो बहुत ही बेकार है तुम्हारा पायल। और माँ, आपको क्या हो गया है कि बचत की कंजूसी, ये सब कुछ क्या है माँ? हम इतना कमा रहे, दिन रात एक कर रहे हैं, और आप बाबूजी को एक कप से ऐसी चाय भी नहीं दे रही हूँ। सुबह भी मैंने यही देखा और अब भी यही देखा, ये सब मुझसे नहीं देखा जा रहा। अरे भगवान, मैं किस लिए कमा रहा हूँ? बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए और घर के लिए कमा रहा हूँ, और एसी भी तुमने बंद करके रखा हुआ है। ये तरीका क्या हुआ, ये तो मुझे कोई पसंद नहीं आया तरीका। अरे माँ जी, आपको पता है बाऊजी और जो हमारे वो है ना, पूरा दिन एसी में बैठे रहते हैं। मुझे तो लगता है इस बार बिल बहुत ज़्यादा आने वाला है। बल्कि ज़्यादा आने वाला क्या है, मैं आपको एक अच्छी खबर देती हूँ, बिल जो है पूरा 2,000 रुपये आया है। अरे क्या, ये तुम क्या कह रही हो, बिल 2,000 रुपये आया है? नहीं करो बहू रानी, हार्ट अटैक ना दिलाओ मुझे। अब मैं क्या करूंगी, इतना सारा बिल, उफ मेरे भगवान, ये कैसे मैं भरूंगी? मेरे को तो सुनते ही हार्ट अटैक आ रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। पायल अपनी सास से कहती है, अरे माँ आपको पता है ये ज्यादा एसी चलाने की वजह से हो रहा है, ये इन लोगों के एसी बंद कीजिए, मैं तो यही कहती हूँ। सुजाता अपनी बहू पायल से कहती है, मुझे तो लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहू, ये सब एसी की वजह से ही हो रहा है, इतना खर्चा, ऊपर से ये लोग ठंडी ठंडी हवाएं। अरे पंखा हमने भी तो चलाया हुआ है, हम भी तो उजार रहे हैं। यही तो मैं कहती हूँ, ये दोनों सास बहू हैं तो कंजूस तो बहुत ही होती हैं। अरे सास तो कंजूस कंजूस सही, लेकिन बहू तो महा कंजूस होती है। दोनों प्लानिंग करती हैं एसी को खराब करने की, लेकिन सास मना कर देती है कि एसी अगर खराब कर दिया तो ये जनाब तो फिर से रिपेयर करवा देंगे। इतने में जो सुजाता है वो सब्जी लेने जाती है, सब्जी वाले से ताव भाव करती और पूछती है, अरे भाई साहब ये सब्जी कितने रुपए की दी है? अरे बहन जी, सब्जी ये सारी आपको 200 रुपए की मिल जाएगी, आप 200 रुपए दीजिए और सारी सब्जी फ्रेश फ्रेश ले जाइए। क्या, बाप रे बाप, 200 रुपए की सब्जी? अरे सब्जी बेच रहे हो या सोना बेच रहे हो? इतनी महंगी सब्जी, मुझे तो 100 रुपए में चाहिए। ये सारी सब्जी 100 रुपए में दे दो, मैं अभी के अभी ले जाती हूँ। कंजूसी की हद देख के तो ये गैर सब्जी वाला भी हैरान हो जाता है और कहता है, ये ऊपर वाले तूने दुनिया में इतने कंजूस कंजूस लोग दिए, और वो 100 रुपए में सब्जी दे देता है। इतने में सुजाता जो है वो अपने घर के पास से गुजर रही होती है और उसको मिल जाती है उसकी पुरानी दोस्त, जो कि दोनों आपस में बात करती हैं घर के बिल की। सुजाता की दोस्त स्नेहा सुजाता से कहती है, अरे हमारा बिल तो सिर्फ 100-200 रुपए आया है। क्या सिर्फ 200 रुपए बिल आया है? ना करो बहन, हमारा तो पूरा 2,000 रुपए बिल आया है। अरे आपके एसी नहीं चलते होंगे ना, इस वजह से आपका 200 रुपए बिल आया है। हाँ हाँ यही वजह है आपके बिल आने की। अरे सुजाता बहन, नहीं नहीं एसी तो हमारे दो दो चलते हैं और पूरा पूरा दिन चलते रहते हैं। हमने दरअसल मीटर की सेटिंग करवाई हुई है, और हाँ अगर आपको करवानी है तो आप बता दीजिए, हम आपको भी अपने बंदे जो खास बंदा है इलेक्ट्रिशियन वो आपके घर भेज देंगे और वो सेटिंग कर देगा मीटर की। हाँ भाई बोलो, क्या ख्याल है सुजाता बहन? अरे बहन ख्याल तो तुम्हारा तो मैं क्या कहूँ, खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ रहे और दिल में लड्डू फूट रहे हैं। अरे बहन ठीक है तुम एक काम करो, कल के बजाय आज शाम को ही भेज दो उस मीटर वाले को, हम खुद निपट लेंगे उस मीटर वाले से, बस टाइम से भेज दीजिएगा। और हाँ बड़ा मेहरबानी आपकी, आपने हमें इतनी अच्छी सजेशन दी है। इतने में सुजाता की दोस्त के बिल वाला आ ही जाता है और सुजाता उससे बिल के ताव भात कहती है कि मैं बिल के जितने भी रिपेयरिंग है उसके सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए ही दूंगी। वो इलेक्ट्रिशियन जो है ज़्यादा बहस नहीं करता, वो कहता है,
ठीक है माँ जी, आप 200 रुपए ही दीजिए, वैसे ये 500 रुपए बनते हैं, लेकिन आप 200 दे दीजिए। 200 लेके वो बिलवाला तो बस वहाँ से चलता फिरता है और यही सोचता है कि बाप रे कितने कंजूस हैं ये लोग। इतने में सुजाता और उसकी बहू पायल दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं। पायल सुजाता से कहती है, जी मुझसे नहाने गया इसलिए मैं बाहर ही आ गई हूँ, आपको एक गुड न्यूज देनी थी। अरे बिल सिर्फ 200 रुपए ही आया है, अड़ी मुझे तो खुशी हो रही है। ये बात सुन के सुजाता की तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं होती है। और दूसरी जानेब सुजाता और पायल के जो पड़ोसन होती है जो कि उनसे बहुत ही जेलिस होती है, वो ये सारी बातें सुन लेती हैं कि किस तरह से दोनों सास बहुओं ने बिजली चोरी की है और वो पुलिस को कंप्लेन कर देती है। इतने में पुलिस वाला सुजाता के घर आता है और अरे सेठ जी, आप तो शक्ल से बड़े ही शरीफ लगते हो और आप लोगों ने बिजली चोरी की। अब इस बिजली चोरी की सजा ये है कि आप 60,000 रुपए जुर्माना देंगे। जैसे ही सेठ ये बात सुनता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये दोनों काम तो इन दोनों सास बहुओं के ही हैं। वो बड़े ही गुस्से से और कहर से दोनों सास बहुओं को देख ही रहा होता है। सेठ धनलाल अपनी पत्नी और बहू से कहता है, देखा आज तुम दोनों की वजह से हमें 60,000 रुपए का नुकसान हुआ है, यहाँ तक कि हमारी इज्जत भी चली गई और पुलिस भी घर पर आ गई है। आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, कहा था ना कि इतनी कंजूसी नहीं करो, ये सारी कंजूसी तो हमें ले डूबी है, 60,000 रुपए भी नुकसान हो गया है। ये सारी बातें सुन के दोनों सास बहुएं तो बहुत ही शर्मिंदा हो जाती हैं और वो इस चीज का एहसास करती हैं कि वाकई में कंजूसी और लालच से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नफरत और ये नुकसानात ही होंगे। उन्होंने सोच लिया कि वो अब कंजूसी नहीं करेंगी। एक वक्त था कि दोनों सास बहुओं ने तो कंजूसी की इंतहा की हुई थी, यहाँ तक के पंखा लगाती थी दोनों इतनी शदीद गर्मी में भी, और वो भी पंखा बंद लगाती थी। और दोनों की बस एक ही बातें होती थी कि किस तरह से बचत करनी है और लालच करनी है। लालच और बचत के बारे में तो इनके जो पति है और पायल के पति हैं वो दोनों भी दोनों बहू और सास को समझाते हैं कि इस तरह से बचत नहीं की जाती, लालच और इससे क्या फ़ायदा हुआ इतनी लालच और इतनी कंजूसी करने का। आखिरकार अंजाम क्या हुआ, पुलिस आ गई घर और अच्छा खासा शरीफ आदमी को इतना कुछ सुना के चली गई। और दूसरी जानिब ये पड़ोसन जो थी उसने तो अपना बदला ले ही लिया था। वो दोनों सास बहुओं की बातें सुनकर तो बहुत खुश हो गई थी कि ये दोनों तो बिजली चोर हैं, अब कंप्लेन दी जाए पुलिस वालों को। तो बस फिर क्या होता है, दोनों सास बहुएं तो माफ़ी मांगती हैं और आइंदा कभी भी कंजूसी और बुखल से परहेज करती हैं।